बात एक ऐसे स्पोर्ट की जिसे भारतीय स्पोर्ट नहीं कहा जाता है, और लेकिन इसमें एक पाथ ब्रेकर का काम किया है। अनुष अग्रवाल हैं जिन्हें ये जिन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिला है, और इससे भी बड़ी बात है कि इनको इन्होंने एशियन गेम्स में एक इतिहास रचा, गोल्ड मेडल जीता, और उसकी वजह से ये अर्जुन अवार्ड मिला है। अनुष अपने परिवार के साथ हमारे साथ हैं। इन सबको मैंने इसलिए साथ में रखा है क्योंकि इस स्पोर्ट के जो स्ट्रगल की कहानी है वो पूरा फैमिलीज के थ्रू गुजरना पड़ता है उसको, हर एक स्पोर्ट में होता है, लेकिन इस स्पोर्ट में और भी खास बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में इसका कोई ऐसा खास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो पाथ ब्रेकिंग काम किया, आपको लगता है कि और भी अनुष आएंगे? मेरे को 100% इस बात में यकीन है कि ये जो हमारे जो मेडल आए, हमारे जो टीम मेडल, उसके ऊपर मेरा जो इंडिविजुअल मेडल था, कि इससे ऑलरेडी मेरे को पिछले 2-3 साल में ऑलरेडी काफ़ी लोग मैसेज करते थे सोशल मीडिया पे वगैरह, बट स्पेशली ये मेडल के बाद बहुत लोग ने मैसेज किया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत यंग लोगों ने मैसेज किया कि दे वॉन्ट टू टेक अप द स्पोर्ट। अनुष, एक आपके लिए एक और भी बड़ी बात है कि जो आपके जो टीम मेट्स हैं वो आपका नाम बहुत ही इज्जत से लेते हैं, आपसे उम्र में भी बड़े हैं लेकिन फिर भी आपका नाम, और आप ओलंपिक्स के बहुत क्लोज बताए जा रहे हैं, इस स्पोर्ट का ओलंपिक्स में इंडिया से कितना फासला है? पहला बात, ओलंपिक्स से मेरा क्वालिफिकेशन, हमारा क्वालिफिकेशन का डेडलाइन 31 दिसंबर था, जो कि 10 दिन पहले था। मेरे क्वालिफिकेशन इवेंट्स हो गए एंड काफ़ी अच्छे गए हैं, तो आई एम जस्ट मैं उसी का वेट कर रहा हूँ ऑफिशियल कंफर्मेशन का, कि अभी अगले हफ्ते में आना चाहिए, इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। एंड आई थिंक कि हमारे टीम में हर जन के पास पोटेंशियल है ओलंपिक जाने का। आप मतलब करीब 5-7 साल से आपसे बाहर है आपके घर से, ये एक फैमिली के लिए खासकर इस जैसे स्पोर्ट में कितना बड़ा स्ट्रगल है फैमिली के लिए? सबसे बड़ा स्ट्रगल था कोविड टाइम में, ये इंडिया नहीं आया था और हम वहाँ जा नहीं सके, तो जब फर्स्ट फ्लाइट अलाउ हुआ तब हम लोग गए, पर उसी दौरान वीडियो कॉल चालू हो गया, तो डेली बात करते थे, बातचीत करते थे, आई थिंक वी बिकेम क्लोजर इन फैक्ट। सो ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। उसी साल टोक्यो ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन था, इसका एक स्पॉट से रह गया था, ही वॉज वेरी वेरी क्लोज। बिल्कुल, और जैसे आपसे बात हो रही थी, आपकी फैमिली में कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप इस जैसे स्पोर्ट में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे अभी आप बता रहे थे एक घोड़ा दोबारा नहीं कर सकता ओलंपिक्स में पीक अटेन करने के लिए, आपके लिए कितना, कैसे इसको देखते हैं? मैं अपने लड़के पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग अ रिटर्न, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट फॉर हिज पर्सनैलिटी, एंड दैट इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर अ पर्सन लाइक मी। और आपको लगता है कि जैसे आपको ये अर्जुन अवार्ड आपके फैमिली के लिए, किसी के लिए भी सबसे बड़ा मोमेंट एक तरह से लाइफ में होता है? ह्यूज मोमेंट, इट इज वन मोमेंट दैट कैन बी चेरिश्ड ऑल योर लाइफ। पीपल प्ले स्पोर्ट्स फॉर अ मोमेंट लाइक दिस इन इंडिया, एंड इट हैज इट्स वैल्यू एंड इट्स इररिप्लिकेबल। लेकिन एक और जो चीज़ है, जैसे आपका बच्चा क्रिकेट भी खेलता था, जैसे आप बता रही हैं इनका क्रिकेट जर्नी अगर आप बताएं, और जैसे हॉर्सेस में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे कम लोगों को पता होता है कि इतने सारे हॉर्स रखने पड़ते हैं, क्या नाम होता है, कैसे उनको करते हैं, अगर उस स्ट्रगल के बारे में बताएं। अनुष शुरू से बचपन से ही बहुत स्पोर्टी था, वो स्कूल में डेली जो ट्रायल में जाता था क्वालिफाई कर जाता था, कभी हॉकी है, क्रिकेट है, हर स्पोर्ट, तो इसका ही चॉइस था राइडिंग में कंटिन्यू करने का। सो इसका मेहनत, आपने क्रिकेट भी ओपन रखा हुआ था, इसके लिए सब चीज़ ओपन था, और अंडर 16 खेले भी, अंडर 16 इसको इनविटेशन आया था ज्वाइन करने के लिए, तब इसको चॉइस दिया गया था, बिकॉज उसी साल 11 साल की उम्र में ये दिल्ली भी हमने एक ट्रेनर के लिए, इसका ट्रेनिंग के लिए सेटअप करा था, तब उन्होंने बोला था आपको एक स्पोर्ट चूज करना होगा, इसने राइडिंग चूज किया। अच्छा, आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, किसको करते हैं, वर्ल्ड कप देखा? जी, मैं ऑब्वियसली मैं इंडियन के, हर इंडियन की तरह क्रिकेट ऑब्वियसली बहुत फॉलो करता हूँ, एंड जैसे स्पेशली अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, मैं इंडिया के हर मैच, जैसे मेरे उस टाइम भी ओलंपिक क्वालिफायर चल रहे थे, मतलब जितना भी पॉसिबल हुआ हमेशा रिजल्ट चेक करते रहता था, एंड या और मैं गेस करूँ आप किसके फैन हैं? आपका हेयर स्टाइल कहता है आप विराट कोहली के फैन हैं। आप सही बोल रहे हैं, मेरा ही इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस टू सी हिज जर्नी, द हार्डशिप्स हीज बीन थ्रू, एंड इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू टू मीट हिम वन डे। अरे आप मिल लेंगे, वो विराट दूसरे स्पोर्ट्स को भी बहुत प्रमोट करते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी बहुत प्रमोट करते हैं, उनको पता चलेगा ये इंटरव्यू लेके, तो वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। अभी अगर हम यहाँ से देखें ओलंपिक्स की बात करें, इंडिया के लिए
आपको लगता है कि ये आपके फवाद या जैसे भी बाकी ये एक ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, जैसे पाथ ब्रेक किया था नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में, वैसे एक पाथ ब्रेकिंग स्पोर्ट हो सकता है इंडिया के लिए? आई थिंक इक्वेशन पाथ ब्रेकिंग स्पोर्ट हो सकता है, ये बात का कोई डाउट नहीं है. एंड स्पेशली ओलंपिक्स, आई थिंक इट्स द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी एथलीट इन एवरी स्पोर्ट, नॉट ओनली इक्वेशन. एंड अभी तक आज तक इक्वेशन में ड्रेसाज में आज तक कोई क्वालिफाई किया नहीं है ओलंपिक्स के लिए, तो आई होप टू बी द फर्स्ट वन. फाइनल वर्ड मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये तो एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है, लेकिन इसने आपके सपने को बड़ा कर दिया है? बहुत. इस मैंने अर्जुना अवार्ड का भी कभी सोचा नहीं था, तो गॉड इज काइंड, उसने इतना दे दिया. तो ये है अनुष और उनका परिवार, और इक्वेस्ट्रियन में इन लोगों ने, इनकी एक अलग संघर्ष की कहानी है, लेकिन इन्होंने भारतीय टीम को और भारत के खेल प्रेमियों को एक गौरव पहुंचाया और इसलिए इन्हें ये सम्मान मिला है. दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया.